सो जी इट्स टाइम टू प्रोसेस योर साउंड। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और मेरी वीडियोस को जरूर लाइक कर रहे होंगे। तो जी जितने भी जरूरी सवालात थे, जितने भी अहम सवालात थे, जितने भी इस प्रोसेस से रिगार्डिंग, वीजा प्रोसेस से रिगार्डिंग अहम चीजें थी, वो सब मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। कैसे आपने अपने एडमिशन को प्रोसेस करना है, एडमिशन को प्रोसेस करने के बाद कैसे आपने अपने ड्यूज पे करने हैं, ड्यूज पे करने के बाद आपने कैसे इंतजार करना है, इंतजार के बाद आपने वीजा को कैसे अप्लाई करना है, और वीजा के आने के बाद आपने यूके पहुंचने के बाद सबसे पहले कौन से जरूरी काम करने हैं। आपने एनआई अप्लाई कर दिया, आपने अपना बैंक अकाउंट खोलना है, आपने अपना बैंक अकाउंट खोल के उसके बाद आप अपना एनएचएस रजिस्टर कर लें। अल्लाह ना करे अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाती है कुछ भी, तो उसके लिए आपका एनएचएस जरूर रजिस्टर होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना एनएचएस रजिस्टर करें, जहां पे भी आपने अपना रेजिडेंस चूज किया है उसके नियर बाय में जो भी आपके पास एनएचएस के है सर्जरी, वहाँ पे आप जाएं और जाकर अपना एनएचएस रजिस्टर कर लें। जो भी उनका वहाँ पे प्रोसेस होगा, एक छोटा सा फॉर्म होता है, बस आपने वो फिल करना होता है और आपको एक जीपी अलॉट हो जाता है। उसके बाद अगर आपको भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने जीपी के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, और जो भी प्रोसेस होते हैं इन डिटेल वो आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। सो जी ये है स्टोरी। लेकिन अब बात करेंगे इस वीडियो में, जिस पर्पज के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, वो है हमारा पर्पज स्पाउस वीजा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं तो यस यू कैन ब्रिंग योर फैमिली, येस यू कैन ब्रिंग योर फैमिली विद यू इन डेज। ये जो मिथ है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं फैमिली कैसे जा सकती है, हमारे बच्चे जा सकते हैं? बिल्कुल जी, आपके बच्चे आ सकते हैं, आपकी बेगम आ सकती हैं, आपके शौहर आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, कोई लिमिटेशन नहीं है इसमें, और कोई डेज नहीं लगते। यूं आपका काम हो जाता है इफ योर पेपर्स आर रेडी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आपके सारे पेपर्स में कोई मसला नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आपने उसी तरह से एमएससी के वेबसाइट पे जाके स्टूडेंट डिपेंडेंट कैटेगरी का फॉर्म भरना है, स्टूडेंट डिपेंडेंट फैमिली पार्टनर स्पाउस वीजा। स्टूडेंट डिपेंडेंट पार्टनर का जब आप फॉर्म भरेंगे, जब भी आप किसी फॉर्म को फिल करते हैं, किसी एम्बेसी की वीजा के लिए प्रोसेस करते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होता है कि उस वेबसाइट पर जाकर आपको समझ नहीं आता कि मैंने कौन सी कैटेगरी का फॉर्म चूज करना है। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू सॉल्व हियर, कि आपने स्टूडेंट डिपेंडेंट पार्टनर वीजा फॉर्म कैटेगरी चूज करनी है, और इस कैटेगरी का फॉर्म आप फिल करेंगे सेम एज योर्स, जैसे आपने अपना फॉर्म फिल किया था बिल्कुल उसी तरह, स्टूडेंट वीजा की तरह आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। बाय द एंड ऑफ द फॉर्म आपने वही दो फीस पे करनी होगी, जो 4.25 लाख रुपए, यानी कि 375 और 378 समथिंग पाकिस्तानी रुपए में इतना बनता है, और अगर पाउंड में बात की जाए तो 1650 पाउंड, यानी कि 1650 पाउंड आपने पे करने हैं। उनको आप पे करेंगे, जल्द की अपॉइंटमेंट लेंगे, उसी तरह अपनी बैंक स्टेटमेंट आपने मेंटेन करनी है। आपके स्पाउस को 20 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, इफ इट्स जस्ट योर हस्बैंड और योर वाइफ, उनको 20 लाख पाकिस्तानी की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिए कि पाउंड हमेशा वेरी करता है, तो जब प्राइस में फ्लक्चुएशन होती है, ऊपर नीचे जाता है रेट, तो ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसलिए हमेशा आप कुछ सर्टेन अमाउंट जो है उसमें 1-3 लाख रुपए का ऊपर नीचे का मार्जिन जरूर दें अपने आप को, बिकॉज एंड में कुछ भी हो सकता है। सो जी आपने वो फीस पे करनी है, एंड आफ्टर दैट आपने जेरीज की अपॉइंटमेंट लेनी है, सेम एज यूज आप जेरीज जाएंगे, जेरीज जाने के बाद आप जेरीज में अपने डॉक्यूमेंट स्कैन कराएंगे। कभी मत भूलिए अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कराना, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको अकॉर्डिंग टू द लिस्ट दें, वो अरेंज करेंगे उनको, और उसके बाद उनको स्कैन करेंगे, आपसे एक फीस चार्ज करेंगे, आप वो काउंटर पे फीस पे करेंगे, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, आपका बायोमेट्रिक होगा, आपकी तस्वीरें बनेंगी, और आपको एक रिसीट दे दी जाएगी पासपोर्ट कलेक्शन के लिए। उसके बाद आप घर चले जाएंगे, लेकिन आपको 14 डेज के बाद कोई ईमेल नहीं आएगी। स्पाउस वीजा की कैटेगरी में कोई ईमेल नहीं आती, स्टूडेंट वीजा की कैटेगरी में आपको वीजा कंफर्मेशन ईमेल आती है, लेकिन 14th डे पे जब आप अपना स्पाउस वीजा अप्लाई करके आएंगे, तो आपने बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होना कि मुझे ईमेल क्यों नहीं आई, बिकॉज स्पाउस वीजा में कोई ईमेल नहीं आती। सो यू हैव टू वेट 21 डे पे आपको एम्बेसी से कॉल आएगी, और आपने जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लेना है। ये प्रोसेस के मैक्सिमम डेज हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ टाइम ऐसा आता है ड्यूरिंग द ईयर जब एम्बेसी 13-14 डेज में अपना प्रोसेस कंप्लीट करके आपको पासपोर्ट्स डिलीवर कर देती है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है, इसलिए हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशन
21-22 डेज की रखें। 21 डेज से नीचे अपनी एक्सपेक्टेशन को कभी मत रखें। अपना टिकट हमेशा 21 डेज के बाद लेना है आपने, क्योंकि आप वरना बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे। एनीवेज जी, आपको ईमेल नहीं आएगी, लेकिन 21 डे पे जब आपको कॉल आएगी, आप उसी तरह एम्बेसी जाएंगे, अपना पासपोर्ट कलेक्ट करेंगे, और आपको भी स्पाउस वीजा पे भी आपके विजिट वीजा की कैटेगरी मिलेगी। आपके वीजा पे जरूर मेंशन होगा डिपेंडेंट पार्टनर, बट वो 3 महीने का विजिट वीजा ही होगा। और आपका स्पाउस जब यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कि यूके आप पहुंच जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे वंस, तो उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने उसी तरह अपना रेजिडेंट कार्ड रिसीव करना है, जो आपने जैसे आपने पहले अपने स्टूडेंट वीजा पे अपना रेजिडेंट कार्ड रिसीव किया था, उसी तरह सेम प्रोसेस से, सेम जो पोस्ट ऑफिस आपने चूज किया होगा ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग, वहीं उसी पोस्ट ऑफिस से जाके आपने अपना PRP रिसीव करना है, यानी कि बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट आपने रिसीव करना है। उसके बाद आपने जब भी इन एंड आउट ट्रेवल करना हो, इंग्लैंड से बाहर जाना हो, तो आप एयरपोर्ट के ऊपर आपके पास वो कार्ड जरूर होना चाहिए, दैट्स मैंडेटरी, अदरवाइज आप दोबारा एंटर नहीं हो सकेंगे। ये बिल्कुल मत सोचेगा कि मैं 3-4 साल के लिए अलाउ हो गया हूँ। आपके बायोमेट्रिक कार्ड के ऊपर एग्जैक्ट डेट होगी कि आप कितने साल के लिए आ जा सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी आती है आपके बच्चों की, उनका प्रोसेस भी इसी तरह से होता है जैसे स्पाउस वीजा का होता है, सो इट्स एज सेम, उसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली उनके लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं, सो ये प्रोसेस आपने इसी तरह से करना है। तो आपका स्पाउस जब यहाँ पहुंच जाता है, उनके लिए भी आपने सबसे पहले NI अप्लाई करना है, NHS अप्लाई करना है और बैंक अकाउंट खोलना है। ये वो जरूरी काम है 3 जो आपने जरूर यहाँ पे करने हैं। इफ यू थिंक यहाँ आते साथ ही आप गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आप पाकिस्तान से आते हुए अपना इंटरनेशनल लाइसेंस जरूर लेके आएगा, यानी कि जो आपके पास पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उसके ऊपर आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मिलता है। उस इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के ऊपर आप यहाँ पे 1 साल के लिए गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन यूके में आते साथ ही आप कभी भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले सकते। यूके के ड्राइविंग रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन आप 6 महीने के बाद यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई जरूर कर सकते हैं। यूके का ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको 6 मंथ्स के लिए एटलीस्ट यहाँ पे रहना पड़ेगा, उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर योर फर्स्ट लाइसेंस। और पाकिस्तान इज अ कंट्री जिसका लाइसेंस यूके में एक्सचेंज नहीं होता। बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनका लाइसेंस यहाँ पे ब्रिटेन लाइसेंस के साथ एक्सचेंज हो जाता है, और आपको ना टेस्ट देना पड़ता है ना कोई और प्रोसेस करना पड़ता है, आप जस्ट उसको एक्सचेंज करा लेते हैं कुछ £45 की फीस देके। लेकिन पाकिस्तान के लाइसेंस के लिए आपको यहाँ पे टेस्ट देना पड़ता है और दोबारा से लाइसेंस लेना पड़ता है, इसलिए आप 1 साल के लिए अगर ड्राइव करना चाहते हैं तो आप अपना ड्राइविंग परमिट जरूर लेकर आएगा, और उस ड्राइविंग परमिट को आप सिर्फ कम्यूटेशन के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि आप अपने पर्सनल यूज के लिए उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उसको कभी भी कमर्शियल यूज के लिए यूज नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपकी कोई यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी के लिए आप उसको यूज करना चाहते हैं, आप उसको यूज नहीं कर सकते। सो ये वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो अगर आपके दिमाग में नहीं थी तो मैंने सोचा कि आप तक पहुंचा दी जाए। अब बात करेंगे कि आप एयरपोर्ट से कितना कैश लेके आ सकते हैं, यानी कि पाकिस्तानी अकाउंट में जितने पैसे आपने शो कराए हैं उनको आप यहाँ पे साथ कैसे लेके आएंगे, अपनी नेक्स्ट ड्यूज, अपने एक्सपेंसेस, आप उन्हें साथ कैसे लेके आएंगे। मैक्सिमम आप £7,000 एयरपोर्ट के अपने साथ ला सकते हैं। पाकिस्तान से जब आप आएंगे, आप एयरपोर्ट पे £7,000 लेकर आ सकते हैं। अगर आपके पास £7,000 तक का कैश है, आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा, आपको FIA नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं रोकता, बिकॉज यू आर अलाउड टू टेक इट। लेकिन अगर इससे ज्यादा अमाउंट है, देन यू कांट ब्रिंग इट कैश, आपको फिर लाना पड़ेगा थ्रू बैंक। पाकिस्तान से अगर आपने यहाँ पैसे भेजने हैं, इट्स अ ह्यूज मेस, आप नहीं भेज सकते। पाकिस्तान से आपको यहाँ पैसे भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाकिस्तान में सबसे पहले अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी GBP अकाउंट। किसी भी बैंक में जाएं, GBP अकाउंट खोलें, GBP अकाउंट में अपने सारे GBP जमा कराएं, यानी कि सबसे पहले अपने पाकिस्तानी रुपये को आप कैश करें, उसके बाद आप उसको किसी मनी चेंजर के पास ले जाके पाउंड्स में कन्वर्ट कराएं, फिर वो पाउंड्स लेके आप जाएं अपने बैंक और अपने GBP अकाउंट में वो सारे पाउंड्स आप जमा कराएंगे, एंड देन यू कैन ट्रांसफर योर अमाउंट। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपके पास यूके में भी आपका अपना अकाउंट हो। जब तक यहाँ पे आपका अपना अकाउंट नहीं होगा, आप पाकिस्तान से अपने आप को यहाँ पैसे नहीं भेज सकते। ये एक बहुत बड़ा मसला है। जब आपने ड्यूज पे करने होते हैं तो भी बहुत इशू होता है। हमेशा पाकिस्तान से अगर ड्यूज पे करें तो डेडलाइन से 1 वीक पहले जरूर अपने ड्यूज भेजें, बिकॉज अदरवाइज आपके ड्यूज टाइमली नहीं पहुंच पाते।
पाकिस्तान से यहाँ पैसे भेजने के लिए आपका अपना जाती अकाउंट ही होना चाहिए, अदरवाइज पैसे भेजना बहुत प्रॉब्लम है। अपने बच्चों के नाम पे आप भेज सकते हैं, या फिर अपने स्पाउस के नाम पे, या फिर आपका अपना अकाउंट। यू कैन नॉट सेंड योर अमाउंट टू एनी ऑफ योर रिलेटिव, योर कजन, योर फैमिली, योर अंकल, योर आंट, नोबडी। ये बहुत ही ज़्यादा इंट्रिकेट डिटेल्स हैं जिसमें जब आप पढ़ते हैं तो आप बहुत परेशान होते हैं, लेकिन दैट्स ओके। आप अपने साथ 7,000 pounds तक कैश ला सकते हैं, दैट्स इनफ मनी फॉर यू, तो वो आप अपने साथ ले आए आराम से, और यहाँ ला कर जब आप अपना अकाउंट खोलें तो आप उसके अंदर उसको आराम से जमा करा सकते हैं। फर्स्ट टाइम में आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन सेकेंड थर्ड टाइम में अगर आप फ्रिक्वेंटली हैवी अमाउंट्स अपने अकाउंट में डालेंगे तो शायद बैंक आपसे पूछे, और इन केस अगर बैंक आपसे पूछता है तो आपने पाकिस्तान में जहाँ से भी अपने पैसे ट्रांसफ़र कराए हैं वहाँ से अपने लिए वो रसीद ज़रूर साथ लेकर आइएगा। उस रसीद की बहुत अहमियत होती है, बिकॉज आप वो दिखा कर शो कर सकते हैं कि योर मनी इज़ फ्रॉम योर लीगल सोर्सेज, वेदर इट्स योर सेविंग, और आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल की है, या फिर आपने किसी से कर्जा लिया है, या फिर आपके पेरेंट्स ने आपको कोई गिफ्ट किया है। सो आप ये सारे प्रोसेस में, इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे तो कहीं पर भी आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा ज़रूर साथ लाएं। स्पाउस वीज़ा के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रिक्वायर्ड होती है, जब आप वीज़ा अप्लाई करो तो दैट इज़ योर पुलिस वेरीफिकेशन, उसमें बहुत टाइम लगता है। और एक चीज़ जो मैंने मिस की है वो है टीबी टेस्ट। यूके पाकिस्तान के लोगों को एंटर नहीं होने देता जब तक आपका टीबी टेस्ट नहीं हुआ होता। सो प्लीज़ जब आप अपना प्रोसेस अप्लाई करें, जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करें, जब आप अपनी जेरीज़ की अपॉइंटमेंट लें, तो साथ ही अपना टीबी टेस्ट करा लें, बिकॉज जेरीज़ में जाने के लिए आपको टीबी टेस्ट की रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो इसलिए अपना टीबी टेस्ट ज़रूर करा लीजिएगा। इस्लामाबाद में देर आर टू सेंटर्स, मारूफ करता है, मारूफ हॉस्पिटल, इट्स एन F10, या फिर F6 में एक सेंटर है, वो भी करता है, वहाँ से भी करा सकते हैं। तो ये वो सारी छोटी छोटी डिटेल्स थी जिसकी हमें बहुत प्रॉब्लम होती है जिसको अंडरस्टैंड करने में। सो मैंने सारी डिटेल्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप कि ये वीडियोज़ जो है आपके लिए इफ़ेक्टिव हों, इनका आपको बेनिफिट हो, और आपकी सारी मिथ्स क्लियर हो जाए, और आप भी अगर इस प्रोसेस को प्रोसीड करना चाहते हैं, और अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई परेशानी है दिमाग में, आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट करें, मुझसे पूछें, आई विल शेयर, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू, सो डोंट वरी, एंड यू कैन आस्क मी एनी टाइम एनीथिंग। और आई होप कि आप मेरी वीडियोस को पसंद करे होंगे, एंजॉय करे होंगे, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप कि इस वीडियो से आपका कुछ ना कुछ भला ज़रूर हो जाएगा। फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।